और बड़ी खबर सामने आ रही है। आप बता दें कि आज कोरबा जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कोरबा से, जहां बताया जा रहा है कि कोरबा जिले के दौरे पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं। पाली तनाखार विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम करने वाले हैं, तो पाली के पिपरिया गाँव में लोगों से चर्चा करेंगे। तो वही करोड़ों के विकास कार्य की सौगात भी देंगे सीएम बघेल। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आज कोरबा जिले के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात करेंगे, जनता से संवाद करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, पाली के पिपरिया गांव में लोगों से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। तो करोड़ों के विकास कार्य की सौगात भी देते हुए नजर आएंगे सीएम भूपेश बघेल। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कोरबा से। आज कोरबा पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पाली के पिपरिया गांव में लोगों से चर्चा करेंगे। तो कहा जा रहा है कि रायपुर से सुबह 11 बजे पौड़ी तहसील के पिपरिया गांव जाएंगे सीएम भूपेश बघेल, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वैभव का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। वैभव, आज कोरबा जिले के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल, कहा जा रहा है कि वहां लोगों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और करोड़ों के विकास कार्य की यहां पर सौगात भी देते हुए नजर आएंगे सीएम। क्या कुछ पूरा शेड्यूल आज का उनका, अपडेट चाहेंगे आपसे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए आज सुबह 11 बजे यहां से रवाना होंगे कोरबा जिले के लिए, और कोरबा जिले के पाली तानाखार जो विधानसभा है वहां पे वो आज रहेंगे। पूरे दिन भर का उनका पूरा कार्यक्रम है। सबसे पहले वो पौड़ी के जो तहसील है पिपरिया गांव वहां पहुंचेंगे और पिपरिया में वहां भेंट मुलाकात के दौरान चौपाल लगाएंगे, आम लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे और फिर विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इसी तरह से वो पाली थाना खार के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पे आज पूरे दिन भर रहेंगे और फिर रात्रि विश्राम भी वो पाली में करेंगे और वहाँ आम जनों से भेंट मुलाकात भी होगी, समाज के लोगों से मुलाकात होगी, व्यापारी वर्ग से मुलाकात होगी और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो भेंट मुलाकात का जो उनका कार्यक्रम जो चल रहा है पिछले करीब करीब 4 महीने से, और उसी सिलसिले में आज पाली थानाखार है, फिर इसके बाद कटघोरा है और उसके बाद रामपुर और कोरबा में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। तो जिले दर जिले मुख्यमंत्री का दौरा जारी है और ये सिलसिला सभी 90 विधानसभाओं में जारी रहेगा। ठीक है वैभव, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस बीच कहा जा रहा है, एक और बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है रायपुर से, इस वक्त की बड़ी खबर, कहा जा रहा है कि 17 जनवरी को सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी का यह ऐलान सामने निकल कर आ रहा है। कहा जा रहा है कि 17 जनवरी को विभिन्न मांगों को लेकर ये प्रदर्शन करेंगे, तो डीए एचआरए पदोन्नति जैसे कई मांगों को लेकर के हड़ताल करेंगे। तो आंदोलन को लेकर संघ ने बैठक की है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वैभव शिव पांडे जुड़े हुए हैं। वैभव, एक बार फिर शुरू करेंगे। वैभव, 17 जनवरी को सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अलग अलग मांगे हैं, विभिन्न मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, ऐलान कर दिया गया है इनकी तरफ से। बिल्कुल, एक बार फिर से जो छत्तीसगढ़ के अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन है उनके तरफ से आंदोलन की तैयारी की जा रही है। एक बैठक आयोजित की गई थी कल और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 17 जनवरी को एक बार फिर से डीए एचआरए और पदोन्नति की जो मांग है जो कि लंबित है उसे लेकर के आंदोलन किया जाएगा। हालांकि ये 17 जनवरी को एक दिन का आंदोलन होगा लेकिन उसके बाद फिर आगे रणनीति बना के चरणबद्ध तरीके से इस पर प्रदर्शन किया जाएगा, ये तय किया गया है बैठक में। और साथ ही एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन भी जो है फरवरी महीने में आयोजित करने की बात फेडरेशन की तरफ से कही गई है। कल जो बैठक हुई उसमें मुख्य रूप से ये तय किया गया कि छत्तीसगढ़ के विकास में जो भागीदारी है वो छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों की ही उतनी है जितनी बाकी बड़े अधिकारियों की होती है, लेकिन सरकार की तरफ से जब उन्हें सौगात देने की बारी आती है या उनकी मांगों पर निर्णय लेने की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और उस पर भी त्वरित निर्णय लिया जाना चाहिए।
ये तमाम बातें थी जो बैठक में उठाई गई और इसी को लेकर के 17 जनवरी को सरकार को सांकेतिक तौर पर ये बताने और दिखाने के लिए प्रदर्शन किया जाएगा कि छत्तीसगढ़ के अधिकारी और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं और आगे वो बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है वैभव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।